हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ विशाला लिप स्क्रब की जेन्युइन रिव्यू और मेरी एक्सपीरियंसेस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो ये रहा ये प्रोडक्ट विशाला नेचुरल्स। ये एक छोटा सा कंटेनर में आता है और ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी है। आप लोग इसे आसानी से कैरी कर सकते हैं और ऐसे दिखता है और इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा फ्रूटी है, बहुत ज़्यादा यम्मी है। आते हैं इसकी यूज़ के ऊपर। तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है जो, तो मैं उस एक्सपीरियंस के बेसिस में ये कहना चाहती हूँ कि इसका थोड़ा सा भी यूज़ करने से इसे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आपको विजुअली दिखने को मिल जाएगा बहुत ही कम टाइम में। और इसका फ्रेग्रेंस तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इसकी इफेक्ट इतनी ज़्यादा इंस्टेंट है, इसके लिए मैं इसकी और भी फैन हो गई हूँ। ये कोई बहुत ही ज्यादा फेमस ब्रांड का नहीं है, एकदम अफोर्डेबल है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए मैं इसको और भी ज्यादा आप लोगों से रिव्यू शेयर कर रही हूँ इसकी। या बहुत सारे मार्केट में फेमस ब्रांड्स है जो अपने लिप स्क्रब्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इसका काम इतना ज्यादा अच्छा है कि मैं इसको आप लोगों के सामने रिव्यू करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। तो अभी मैं इसको अपने हाथों पर यूज करके दिखाती हूँ। इसके अंदर शुगर पार्टिकल्स है, आप लोग देख पाएंगे कि नहीं, इसके लिए मैं अपने हाथों पर इसको अप्लाई करती हूँ लेके। ये देखिए, हाँ अभी दिख रहा है, ये जो ब्लैक ब्लैक बीट्स दिख रहे हैं ये शुगर पार्टिकल्स है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। शुगर पार्टिकल बिल्कुल भी हार्श नहीं है और ये इतना हार्श ना होने की वजह से मेरी माउथ एरिया में भी कोई कुछ भी इरिटेशन नहीं होता है, बहुत ही अच्छे से स्क्रब हो जाता है। अब लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक और आप लोगों से टिप शेयर करने वाली हूँ कि स्क्रब को ऑलवेज अगर आप लोग वार्म वाटर से वॉश आउट करेंगे ना, तो उसकी इफेक्ट आपको और भी ज़्यादा मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने थोड़े से टाइम के लिए इसको अपने हाथों पे स्क्रब किया है और मैं इसको वार्म वाटर से वॉश आउट करती हूँ और उसके बाद देखिएगा आप इंस्टेंट इसका रिजल्ट। आप लोग देख सकते हैं मेरे इस हाथों का और इस हाथों का डिफरेंस, अभी आप लोग एकदम इंस्टेंट देखेंगे। और ये रहा, आप लोग देख सकते हैं डिफरेंस, ये वाला एरिया कितना ज़्यादा वाइट लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा नरम मुलायम लग रहे हैं। और मेरी लिप्स पे भी ये सेम तरीके से काम करती है, मेरी लिप्स में ये लिप बाम की तरह भी काम कर देता है। मॉइस्चराइजिंग जो पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मुलायम बना देते हैं मेरी लिप्स को और मुझे मेरी लिप्स पर ये एकदम लिप बाम का जो इफेक्ट है वो भी छोड़ देता है। और एक बात जो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि इसमें आलमंड ऑयल है, शिया बटर है, जो इसकी नरिशमेंट की मेन खास बात है। जो आलमंड ऑयल शिया बटर में से किसी भी चीज़ से एलर्जी है और या सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है तो आप लोग प्लीज़ पहले पैच टेस्ट करवाइएगा, उसके बाद ही इसको यूज़ कीजिएगा। इसको लिप्स में इस्तेमाल करूँगी और उसके साथ साथ और भी रिव्यू को कंटिन्यू करूँगी। बस मेरे हिसाब से ये जो विशाला लिप स्क्रब है ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत ही ज़्यादा मतलब इफेक्टिव प्रोडक्ट है। तो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोगों को पैच टेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। नेचुरल अल्टरनेटिव है दूसरे लिप स्क्रब के मुकाबले और इसकी प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है इसके इफेक्ट के हिसाब से। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक लिप स्क्रब है, जैसे कि मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसको अच्छे से मसाज कर लीजिएगा अपने लिप्स पे, आप लोग को ज़्यादा नहीं, अगर आप लोग एक मिनट तक करेंगे तो ही अच्छा है। लेकिन स्क्रब में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कंसिस्टेंसी। आप लोगों को हफ्ते में दो बार तो ज़रूर करनी है, अगर आप लोग भूल जाएंगे तो इसके इफेक्ट्स आप लोग को उतनी जल्दी विजिबल नहीं होंगे। हाँ ये बात सही है कि एक यूज़ पर ही आप लोगों को अच्छे से इसके रिजल्ट दिखने को मिल जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी आप लोगों को मेनटेन रखनी ही रखनी है। तो मैं अभी इसको वार्म वाटर से वॉश करके आती हूँ, तो एक क्लोजअप लुक देती हूँ। आप लोग देख सकते हैं एकदम मेरे नेचुरल लिप्स है और मेरे कलर को देखिए आप लोग लिप्स की, आप देख सकते हैं मेरे लिप्स एक ही मतलब स्क्रब्स की इफेक्ट से कितना एक नेचुरल पिंकिश रेडिश एकदम लिप्स हो गए मेरे लिप्स और बहुत ही ज़्यादा मुलायम भी हो गए हैं, एकदम अच्छे से ये काम करता है। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी है और वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, अभी के लिए बाय।